Hello friends, welcome to SHUDH Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class plus 1, plus 2, BCom and MBA. तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे थर्ड मेथड ऑफ एडजस्टेड टेक्निक जिसको हम बोल के चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला मेथड। इससे पहले वाली वीडियोस में बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नॉन एडजस्टेड टेक्निक्स और एडजस्टेड टेक्निक्स। एडजस्टेड टेक्निक्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था जिसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसीडर करना है, दैट मीन्स जिसमें मनी को टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू देनी है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। एंड एडजस्टेड टेक्निक में मैंने आपको फर्स्ट मेथड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड डिस्कस कर चुके हैं, और सेकेंडली अभी जो पिछली वीडियोस हमारी गई हैं एनपीवी डिस्कस किया था। एनपीवी में बच्चों मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट ये बताया था कि अगर कैश इनफ्लोज जो हैं वो रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स मतलब वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के नहीं है तब कैसे करके चलना है, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इक्वल कैश अमाउंट का कैश इनफ्लो हो रहा है तब आपको कैसे करके चलना है। तो बच्चों मैं ये बिलीव करके चलता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रखी हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा ये पीछे वाली सारी वीडियोस देख के आए, क्योंकि आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो शुरू करेंगे ना आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक एक वीडियो प्रॉपर अच्छी तरह क्लियर होती रहेगी। तो बच्चों इन वीडियोस का लिंक एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको राइट हैंड साइड पे आई बटन का बना आ रहा होगा। अगर बच्चों ऐसी वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअली हर चीज क्लियर की जाए तो बच्चों डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो आ जाए, ठीक है। तो आइए आज शुरू करके चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैं PI लिख रहा हूं, इसको बच्चों थर्ड मेथड कंसीडर करेंगे, ठीक है, जब मैंने आपको टेबल बनवाया था। मैं बच्चों फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीछे वाली वीडियोस देख के ही आना तभी ये वीडियो देखना आप, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल का जो मोटो है नो मगिंग अप नो क्रैमिंग ओनली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड वी विल नॉट जंप इनटू स्ट्रेट इनटू द कैलकुलेशंस, है ना। हम कैलकुलेशन और फॉर्मूला पे सीधा जंप नहीं करेंगे, पहले एग्जांपल से प्रैक्टिकल एग्जांपल से चीज समझेंगे उसके बाद सर आप हमें बता के चलना इसका फॉर्मूला क्या है, या फिर सर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ही इतनी अच्छी तरह देते हो कि हमें समझ में आ जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो बच्चों अब थोड़ा बहुत हम फिर से मैथ्स पढ़ के चलेंगे, ठीक है। मैथ्स मेरे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, 8, 9, 10 प्लस 1 प्लस 2 वाले बच्चों ने सबने पढ़ा हुआ है मैथ्स, है ना, बीकॉम सबने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों मुझे अब एक बात बताओ, जो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा उसका जवाब देना, ठीक है। बच्चों मुझे एक बात बताओ कि मैं एक 20,000 रुपये की चीज़ लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल है, इसमें तो कुछ साइंटिफिक चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ बोली मैंने कि इफ़ आई बाय अ थिंग ले लो, मैं कोई 20,000 रुपीस की एक चीज़ खरीदता हूँ और वो मुझे 40,000 रुपीस का कैश इनफ्लो लेती है देती है। बच्चों मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है कि जब एडजस्टेड टेक्निक पढ़ते हैं तो तीन तीन चीज़ें कौन सी हम कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट तो कि ये कैश इनफ्लो के बेसिस पे चलेगी, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया हुआ एडजस्टेड टेक्निक का मतलब क्या होकर चलता है कि इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा, और तीसरा तो मैंने आपको बताया ही रखा है कि ये नॉन ट्रेडिशनल मेथड है ना, ये चीज़ें तो पता है। तो इसमें हम कैश इनफ्लो लेके चलेंगे, ठीक है। सो बैक टू एग्जांपल, मैंने एक 20,000 रुपये की चीज़ ली, 20,000 रुपये का मैंने एक तरह से कैश आउटफ्लो किया और वो चीज़ मुझे 40,000 कमा के दे रही है। कमाना इन द सेंस मैं प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, कमाना इन द सेंस कैश इनफ्लो मतलब 40,000 रुपये का मेरा पैसा वापस आ रहा है, 40,000 रुपए की मेरे को उससे कमाई हो रही है, पैसा वापस आ रहा है, 40,000 मेरे को वापस आ रहा है पैसा, ठीक है। तो अब मुझे बच्चों एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं हो सकती, बट सोचने अगर हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में सोचेंगे ना इस सिचुएशन को तो आप कहोगे कि हाँ हम सर सोच सकते हैं सिचुएशन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने 20,000 रुपए का किसी चीज पे खर्चा किया, वो मुझे 40,000 रुपए की इन रिटर्न दे रहा है पैसा, ठीक है। तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं, आप बताना, क्या मैं बोल सकता हूं कि वही चीज पे अगर मैं 2 रुपए का खर्चा कर रहा हूं तो वही चीज पे अगर मैं 2 रुपए का खर्चा कर रहा हूं तो वो मुझे 4 रुपए कमा के दे रही है। माना बच्चों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीजें निकालना, बट अगर सोच रहे हैं तो ये सोच गलत नहीं है। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है जिनको थोड़ा बहुत पता है इन चीजों के बारे में, ये सोच गलत नहीं है निकालना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में।
तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे को 20,000 पे चीज खर्चा कर रहा हूं जिस चीज पे, वो मुझे 40,000 रुपये कमा के दे रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर उसी चीज पे मैं 2 रुपए का खर्चा कर रहा हूं तो मुझे 4 रुपए कमा के दे रही है? हां सर, आप बोल सकते हो। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर इस चीज पे मैं 1 रुपए का खर्चा कर रहा हूं तो मुझे 2 रुपए कमा के दे रही है? हाँ सर, बोल सकते हो कि अगर आप 1 रुपए का इस चीज पे पैसा लगा रहे हो तो आपको 2 रुपए कमा के दे रही है। बच्चों हमने कैसे निकाला? हमने ऐसे निकाला कि 20,000 का खर्चा है और 40,000 कमा के दे रही है। तो 1 रुपए पे ये चीज 1 रुपए पे कितना कमा के देगी? ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ये आ जाएगा इसका आंसर 2। दैट मीन्स अगर मैं किसी चीज पे 1 रुपए का खर्चा कर रहा हूं तो वो मुझे कितना कमा के दे रही है? 2। दैट मींस अगर मैं कैश आउटफ्लो 1 रुपए का कर रहा हूं तो कैश इनफ्लो कितना आ रहा है? सर 2 रुपीज आ रहा है। अच्छा सर, ये चीज होती है इसका मतलब? हाँ यही होता है इसका मतलब। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब आप समझना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ये क्या कहता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या के चलता है कि मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। तुम मशीनरी पे जितना मर्जी पैसा लगाओ, वो मशीनरी जितना मर्जी तुम्हें कमा के दे रही है, मुझे उससे कैपिटल बजटिंग के डिसीजन नहीं लेना। तुम मुझे ये बताओ कि उसी मशीनरी पे जो तुम मशीनरी परचेज कर रहे हो, उसी मशीनरी पे अगर तुम 1 रुपया लगाते हो, 1 रुपया लगाते हो तो वो मशीनरी तुम्हें कितना कैश इनफ्लो, मतलब कि कितना कमा के दे रही है? आई मेरी बात समझ? तो ये मेथड ये बोल रहा है कि मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे बस इस चीज से मतलब है कि किसी मशीनरी पे तुम 1 रुपया लगा रहे हो वो तुम्हें कितना कमा के दे रही है, बस तुम मुझे ये बता दो। तो बच्चों एक बात बताओ, एक मशीनरी पे मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूं वो मुझे 4 रुपए कमा के दे रही है, और एक मशीनरी पे मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूं वो मुझे 6 रुपए कमा के दे रही है। बच्चों कौन सी मशीनरी लोगे आप? सर ये तो सीधा सीधा जवाब है इसका कि हम ये वाली मशीनरी लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 रुपए पे 6 रुपए कमा के दे रही है। तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं कि जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हायर होगा वो मशीन हम लेंगे? बिल्कुल सर, आप ये बोल सकते हैं जिसका पीआई हायर होगा वो मशीन हम लेके चलेंगे। तो बच्चों अब बात बताओ कि हमने आपने ये कैसे निकाला था? सर आपने बोला था कि 20,000 की मशीनरी है और 40,000 का हमें कमा के दे रही है, तो सर हमने 1 रुपए की, अगर इसी मशीनरी पे 1 रुपए का खर्चा करो तो कितना कमा के देगी? तो सर हमने किया था कि 40,000 अपॉन में सर 20,000, सर ये आया था 2/1। ये क्या किया बच्चों आपने? हमने ये किया कि अगर 20,000 रुपये का मैं किसी चीज़ पे खर्चा कर रहा हूँ और वो मुझे 40,000 रुपये कमा के दे रही है, तो इसका मतलब अगर उसी मशीनरी पे मैं 1 रुपये का खर्चा करूँगा तो वो मुझे कितना कमा के देगी? अगर उसी मशीनरी पे मैं 1 रुपये का खर्चा कर रहा हूँ तो वो मुझे 2 रुपया कैश इनफ्लो करके दे रही है। दैट मीन्स उसी मशीनरी पे अगर मैं कैश आउटफ्लो 1 रुपया की है तो कैश इनफ्लो कितने की हुई बच्चों? 2 रुपये की। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको लिखवाता हूं कि क्या होता है। सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सेज इफ यू इन्वेस्ट इन अ मशीन, ठीक है, या फिर इफ यू आर टेकिंग अ डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ मशीन, देन हाउ मच रिटर्न, बच्चों रिटर्न का मतलब एडजस्टेड टेक्निक है कैश इनफ्लो, हाउ मच रिटर्न दैट मशीन इज गिविंग, हाउ मच रिटर्न दैट मशीन इज गिविंग टू यू इफ यू स्पेंड रुपीज 1 ऑन इट। दैट मीन्स 2/1 आया था ना ऊपर, हमारा ऊपर 2/1 था। हाउ मच कैश इनफ्लो दैट मशीन इज गिविंग टू यू, हाउ मच कैश इनफ्लो दैट मशीन इज गिविंग टू यू इफ यू स्पेंड रुपीज 1 ऑन इट। बच्चों
मेरे को पूरा पूरा बिलीव है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मेन मतलब समझ में आया। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बोल के चलूं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? सर, 1 रुपया 1 रुपीज पे कितना कैश इनफ्लो दे रही है कोई मशीन, उसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। एंड सर, इसका फॉर्मूला क्या होकर चलता है? इसका फॉर्मूला सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था बच्चों, हमने किया था 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000। 40,000 क्या था हमारा? कैश इनफ्लो। 20,000 क्या था हमारा? कैश आउटफ्लो। यही बच्चों आपका होके चलता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एंड जितना हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दैट मीन्स उतना हमें 1 रुपये से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उतना ज़्यादा फ़ायदा हमें 1 रुपी स्पेंड करके हो रहा है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा PI उतना अच्छा हमारा डिसीजन होगा, उतना मशीनरी को हम लेके चलेंगे, वही मशीनरी सेलेक्ट करेंगे जिसका PI हायर होगा। तो चलिए बच्चों, आपको एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, सो लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑन इट। ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, एडजस्टेड टेक्निक है, 3 चीजें आएंगी सर, नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक। सेकेंड चीज क्या है सर? डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, मनी को टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू देना कि आज के हिसाब से उस 1 रुपये की क्या वैल्यू है। ये ऑलरेडी बच्चों सारा डिस्कस हो गया, डू वॉच प्रीवियस वीडियो अगर आपको एक कॉन्सेप्चुअली एक और बार पढ़ना है तो, ठीक है। एंड थर्ड इसमें ये होके चलेगा कि एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मतलब जब हम डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा रहे हैं तो वो एडजस्ट ही कर रहे हैं ना कैश इनफ्लोज को। तो बच्चों आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन बच्चों? आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, कहता है फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब एसेट, मशीनरी जो परचेज करनी है, कैपिटल बूस्टिंग डिसीजन लेना है जिस पे हमें इनिशियल कैश आउटले लिया है। इनिशियल कैश आउटले मतलब इस मशीनरी पे हमने 0 पीरियड पे खड़े होके इतना खर्चा कर दिया, ये मशीनरी इतने की आ रही है आउटफ्लो, एक तरह से आउटले को हम आउटफ्लो भी बोलते हैं। मैं आप लिख देता हूं, आउटले मीन्स आउट फ्लो। चलिए आइए दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है इनिशियल कैश आउटले इज 1,50,000, कैश इनफ्लोज दिए हैं बच्चों आपको फर्स्ट ईयर के एंड में 80,000, सेकेंड ईयर के एंड में 70,000, थर्ड ईयर के एंड में 50,000, फोर्थ ईयर के एंड में 40,000। अज्यूम 14% रेट ऑफ डिस्काउंट। 14% रेट ऑफ डिस्काउंट मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, 14% ये आपको दिया हुआ है 14%। ये आपको कैसे दिया हो सकता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट, ये आपको ऐसे दे सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या रेट है, समझ नहीं आ रहा। ये एक तरह से ये है कि 1 रुपये की वैल्यू 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आज के हिसाब से कितनी गिर गई है, ठीक है, उसका रेट है। कहता है कैलकुलेट करो, क्वेश्चन पे दोबारा आ जाओ। कहता है कैलकुलेट करो NPV और PI। बच्चों NPV ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है तो वो आप खुद एज अ होमवर्क कर सकते हैं। अगर आपको NPV निकालना अभी भी नहीं आया तो गो वॉच NPV वाला वीडियो, उसमें मैंने क्वेश्चन के साथ प्रॉपरली एक्सप्लेन किया आपको, वो तो आप पार्ट कर लोगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? PI, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है जी कैश आउटफ्लो हुआ 0 ईयर में कितने का? सर ये हुआ है आपका 1,50,000 का, ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद कहता है सर कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना हुआ कैश इनफ्लो? 80,000। सेकेंड में 70,000, थर्ड में 50,000 एंड फोर्थ में 40,000। एंड बच्चों आपको कितना दे रखा है? 14% दे रखा है। तो मतलब 1 साल बाद, फर्स्ट साल का तो आपको निकालना ही है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, 1 साल के बाद जो आपको 1 रुपया मिल रहा है उसकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू होगी? 1/1 + r^(1) 1/1 + 14% होता है 0.14, दैट मीन 1/1.14। तो बच्चों कैलसी पे निकाल लो। अगर ये कैलसी वाला भी अब आपने नहीं समझा तो जरूर पिछली वीडियो में समझ के आना, 1/1.14। लो जी 0.877 हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, दैट मींस डिस्काउंटिंग फैक्टर।
अगर मुझे एक साल बाद, इसको ऐसे रीड करके चलेंगे, अगर मुझे एक साल के बाद एक रुपया रिसीव हो रहा है तो आज के हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू आई है? 0.877. अब मुझे अच्छे बच्चों की तरह बताओ, सेकेंड ईयर के लिए मैं क्या करूंगा? दोबारा इसको 1+√2 कर दूंगा? नहीं, कुछ नहीं सर, सीधा इक्वल टू दबा दीजिए, आपका आ जाएगा सेकेंड ईयर का 0.769. 2 सालों के बाद अगर मुझे 1 रुपया रिसीव हो रहा है तो उसकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू है? बच्चों आज का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हूं कि मैं आज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने बच्चों इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करके चलना है ना. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट हमने आज 0 पीरियड पे हमने इन्वेस्ट करके चलना है, तो हम इस पैसे को 0 पीरियड तक लेके जाएंगे. कैसे रीड करेंगे इसको? 1 रुपया जो मुझे 2 सालों के बाद रिसीव हो रहा है उसकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू है? क्यों? अगर आपसे कोई टीचर रीजन पूछे, कहो सर क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने 0 पीरियड पे करा है, तो उससे कंपेयर करने के लिए सर इन कैश इनफ्लोस को 0 पीरियड पे तो लेके जाना पड़ेगा ना सर. ठीक है, तो बच्चों आओ बैक टू क्वेश्चन. थर्ड कैसे करेंगे? दोबारा इक्वल टू दबा दो, 0.675, और फिर दोबारा दबा दो 0.592. सो इसको हम हेडिंग दे देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस. अब इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारी 0 पीरियड पे कैश इनफ्लोस की वैल्यू आ गई. ये बच्चों आएगा 70160. बच्चों आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, मेरे पास कैलकुलेटेड है अमाउंट्स 33,750 एंड 23,680. इसका निकाल लो टोटल सम. टोटल सम कितना है बच्चों? 181,420. अगर यही मैं आपको बोलता एनपीवी कर लो, एनपीवी में आपने क्या करना था, कितना पैसा हाथ में बचा आप इससे माइनस कर देते, आपका एनपीवी आता. बट अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? पीआई. एनपीवी बच्चों होमवर्क में करेंगे, ठीक है, आप अपने आप करेंगे वो. तो हमारे पास कैश इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आ गई. उसको इसलिए नहीं हिलाएंगे क्योंकि जो हमारी जीरो पीरियड पे वैल्यू आती है वो 1 रुपए की वैल्यू जो हमें आज रिसीव हो रही है वो 1 रुपए रहेगी ना बच्चों. तो पीआई का फॉर्मूला क्या होता है? पीआई का फॉर्मूला ये होके चलता है, कैश इनफ्लो कौन सा? प्रेजेंट वैल्यू वाला अपॉन में कैश आउटफ्लो कौन सा? प्रेजेंट वैल्यू वाला. बच्चों हमारे पास कैश इनफ्लो कितना आया है? सर हमारे पास आया 181,420. और हमें कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है बच्चों? 1.5 लाख रुपया. तो हम इसको रीड कैसे करके चलेंगे बच्चों? इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आएगा 1.209. तो इसको रीड कैसे करना मैंने आपको सिखाया है, इसको रीड ऐसे करना सिखाया है कि इस मशीनरी पे अगर मैं 1 रुपया लगाऊंगा, इस मशीनरी पे अगर मैं 1 रुपया लगाऊंगा तो मुझे 1.209 का इनफ्लो दे रही है. तो बच्चों सीधा सीधा आपको ऐसे पढ़ के चलना है, जैसे आपके पूछा होगा ना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसका मतलब 1 रुपए पे आपको कितना कमाई, 1 रुपए के आपको कितना कैश इनफ्लो देके चल रही है, आप उस हिसाब से कॉन्सेप्ट लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, एंड बच्चों मुझे पूरी पूरी बिलीव है कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया. इसी मेथड में बच्चों अगर मैं बोलता कि एक दूसरी मशीन है बी जिसका पीआई जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ रहा है वो 4 आ रहा है, मतलब कि वो 1 रुपए पे 4 रुपए कमा के दे रही है अगर 1 रुपए आप उस पर खर्च कर रहे हैं, तो बच्चों ये लोग कि ये लोग है सर, डेफिनेटली हम ये लेके चलेंगे, जितना ज़्यादा पीआई उतना ज़्यादा फायदा. तो बच्चों मेरे को पूरा बिलीव है, ये तो चलो एग्जाम्पल था, मुझे पूरा बिलीव था कि आपको अब ये क्वेश्चन आ गया, आपको कॉन्सेप्ट भी आ गया. अगर आपको बच्चों किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, वैसे तो मैंने अच्छी तरह एक एक चीज़ आपको एग्जाम्पल के साथ समझाई है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, एंड गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके. थैंक यू.